झाबुआ से थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया के विवादित बयान के बाद रतलाम झाबुआ लोकसभा भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान अब खुलकर मैदान में आई हैं। उन्होंने कहा कि महिला के साथ इस तरह की अभद्रता की जा रही है, आदिवासी समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। रतलाम झाबुआ लोकसभा चुनाव से पहले अलीराजपुर जिले में लगातार भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर जातिगत शब्दों के तीर चला रहे हैं। जहां हाल ही में कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए पूर्व जनपद अध्यक्ष कमरू अजनार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया की मां को लेकर टिप्पणी करते हुए वहां नजर आ रहे हैं। तो वहीं भील समाज को लेकर उन्होंने ईसाई समाज से जुड़ा बताया। अलीराजपुर से जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि बिलाले को वोट नहीं देना। मैं वीर सिंह भूरिया एमएलए साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासी का विकास की बात करो, जातिवादी की बात मत करो। दिलीप सिंह को कितने साल से, वेस्ता पटेल, मगन सिंह पटेल, अजमेर सिंह रावत और सब ने जिताया, तब जातिवादी नहीं आई। फिर अब पहली बार अनीता चौहान को टिकट दिया, तो क्या भिलाले लोग इतने बुरे हो गए? और मैं ये कहना चाहता हूँ वीर सिंह भूरिया जी विधायक साहब को कि आपके पूरे थानला में, काकनवानी, मदरानी, पूरा थानला में जो भील जाति के लोग वो सब ईसाई बनते जा रहे। एक समय जब रतन सिंह भाभोर विधायक था, दूसरी बार जब टिकट की बात आई थी तो थानला की एक कांग्रेस की नेता मार्था डामोर ने ये दावा ठोका था कि हमारे थानला विधानसभा में सबसे ज्यादा ईसाई लोग हैं, इसलिए मुझे टिकट दिया जाए। ये मार्था डामोर ने दावा करा था, मेरे सामने की बात है, जब मैं कांग्रेस में था। तो ये भील भिलाला की चिंता छोड़ के ये जो आदिवासी भील लोग ईसाई बनते जा रहे हैं, रोज के रोज उनकी संख्या बढ़ती जा रही, तो कोई दिन आपके भी लाले पड़ जाएंगे वीर सिंह जी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और भूरिया जी है ना, हमारा भूरिया जी जो अभी सांसद का टिकट मिला है, आप लोगों को कोई को नहीं मालूम, भूरिया जी भी, इनकी माँ, भूरिया जी की माँ गिरधा की भिलाली है, तो भूरिया जी भी आधा भिलाला है ना, आधा भील है। इसलिए ये भील भिलाला ये सब अंधे फंदे छोड़ के आदिवासी का हम कैसा विकास करेंगे, आदिवासी सभी जाति धर्म को कैसा ऊपर उठाएंगे, ये बात बोलो कि भिलालों को वोट नहीं देना, इसको वोट नहीं देना, इससे क्या होता, इससे आदिवासी का भला हो जाएगा? भूरिया जी की माँ भिलाली है गिरधा की, आप लोगों को कोई नहीं मालूम, मैं आपको सबको आज बताना चाहता हूँ। भूरिया जी भी कहाँ एक तरफा भील है, अगर भूरिया जी की माँ भील होती तो भूरिया जी भील है, आधा भिलाला आधा भील है भूरिया जी। तो मेरा ये सब दोनों नेता से निवेदन है कि आप ये जातिवादी का फंदा छोड़ के विकास की बात लेके जनता के बीच में जाओ कि किसको वोट भिलाले को नहीं देना कि किसको नहीं। अगर मान लिया भिलाले लोग कह दे कि हमको भील को वोट नहीं देना, तो उस समय क्या होगा, आपस में द्वेषता फिर लेगी। तो ये जातिवादी का ड्रामा नहीं खेल कर। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक महिला प्रत्याशी हूँ और एक कांग्रेस के प्रत्याशी की मौजूदगी में, एक वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे उनकी मौजूदगी में एक गांव की सभा में जो विधायक है उनके द्वारा एक तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और वो भी महिला के लिए। मैं एक महिला प्रत्याशी हूँ और उन्होंने हमारा जो आदिवासी है, हमारे आदिवासी को दो भागों में बांटने का प्रयास किया और ये जताया उन्होंने कि वो महिला का कितना सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संसद में तक 33% का आरक्षण कर दिया और कांग्रेस महिलाओं का अपमान कर रही है और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे, उन्होंने जो बोला उससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस की मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, तो मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करती हूँ। एक तो ये हिंसात्मक है जो बात उन्होंने कही,
कहीं किसी को हाथ पैर तोड़ने की बात कही, काटने की बात कही, तो ये अमर्यादित है और हिंसात्मक है। आने वाले कार्ड सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब एक ताकत के साथ सोसाइटी का चुनाव किया चाहते, एक एक गांव में एक एक गांव के रखवाल बनकर के आप लोग को चुनाव जीतना है। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग है, वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? और अपने लोग को उनको पहचानता है? और बुढ़िया का सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.